हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया यहाँ पे हिंदी विषय की सूक्ष्म पाठ्य योजना, और यहाँ पे हमारा आज का जो कौशल होगा वो होगा श्यामपट लेखन कौशल। तो अगर काफ़ी बच्चों को यहाँ पे उन लोगों को सूक्ष्म पाठ्य योजना चाहिए थी श्यामपट लेखन कौशल के ऊपर, तो उन बच्चों के लिए यहाँ पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिलती है, लाभ मिलता है इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोग इसी तरीके से पाठ्य योजना की वीडियो देखना चाहते हैं, सभी विषयों की पाठ्य योजना रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल प्रोवाइड करता है और डेली बेसिस पर प्रोवाइड करता रहेगा। और आप लोगों को अगर इसी तरीके से सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो चाहिए सभी विषयों की, सभी कौशल के ऊपर, ढेर सारी वीडियोज ऑलरेडी अपलोड हैं। आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर अपने अनुसार सूक्ष्म पाठ्य योजना अगर देखना है आपको तो सूक्ष्म पाठ्य योजना वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे। 100 के अराउंड आपको वीडियोज मिल जाएंगी अलग अलग विषयों की। अगर आप लोगों को पाठ्य योजना देखना है तो आप अपने विषय के अनुसार, जैसे हिंदी की पाठ्य योजना देखना है तो हिंदी वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा। जिस भी विषय का पाठ्य योजना देखना, सभी विषयों की पाठ्य योजना वहाँ पर मिल जाएगी। आप विषय के अनुसार अपना प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को बीएड की क्लासेस लेनी है सभी सेमेस्टर की बिल्कुल फ्री, बीटीसी की क्लासेस लेनी है सभी सेमेस्टर की बिल्कुल फ्री में, तो शाम के 7 बजे लाइव क्लासेस चल रही हैं। एक दिन बीएड की क्लासेस चलती हैं, एक दिन बीटीसी की क्लासेस चलती हैं। तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर लाभ जरूर मिलेगा अगर आप लोग शिक्षा से जुड़े हुए कोई भी कोर्सेज आप कर रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं पेंसिल लेना भूल गया हूँ इसका। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, ऊपर लिखा गया पाठ का स्वरूप। तो यहाँ पे सूक्ष्म पाठ्य योजना जब आप पढ़ाते हैं ना, तो पाठ दो तरीके से पढ़ा जाता है। एक, आप सभी को पता है सूक्ष्म पाठ्य योजना, अगर आप नहीं देखे, आपको नहीं पता सूक्ष्म पाठ्य योजना होती क्या है, तो सूक्ष्म पाठ्य योजना वाली वीडियोज़ देख लीजिएगा। यूट्यूब पर जाकर सर्च करिएगा सूक्ष्म पाठ्य योजना रोशन की क्लास, या फिर माइक्रो टीचिंग रोशन की क्लास, आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे सूक्ष्म पाठ्य योजना जो होती है वो दो चरणों में कराई जाती है। पहला चरण जो होता है वो पाठ पढ़ाया जाता है, उसके बाद फिर से उसको सुधार करके रीटीच किया जाता है, यानी कि पुनः पाठ पढ़ाया जाता है। तो अपने अनुसार लिख लीजिएगा, अगर पाठ पढ़ा रहे हैं तो पाठ लिख लीजिएगा, पुनः पाठ पढ़ा रहे हैं तो पुनः पाठ लिख लीजिएगा। कौशल है श्यामपट लेखन कौशल, कक्षा 7वीं है, विषय हिंदी का है, कालांश अपने अनुसार लिखिएगा। कालांश का मतलब होता है कि जिस पीरियड में आप जाते हैं उस चैप्टर को पढ़ाने के लिए, उस पीरियड की नंबरिंग करनी होती है। जैसे पहले पीरियड में गए तो पहला लिखिए, दूसरे पीरियड में गए तो दूसरा लिखिए। उसका दिनांक लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी सूक्ष्म पाठ्य योजना पढ़ाई। प्रकरण है उपसर्ग, और समयावधि जो होती है वो 5 से 7 मिनट होती है। एक्चुअल जो समयावधि होती है सूक्ष्म पाठ्य योजना की वो 6 मिनट होती है, लेकिन आपको समय 5 से 7 मिनट का वेरिएबल, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल टाइम आपको दे दिया जाता है। अब आते हैं हम अपने श्यामपट कौशल की तरफ। इसमें देखिए 3 कॉलम बनाए गए, क्रम संख्या, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका कथन, 3रा कॉलम है छात्र छात्रा क्रियाएँ। लड़कियां तो छात्राध्यापक कथन हो जाएगा, लड़कियां तो छात्राध्यापिका कथन हो जाएगा। अब श्यामपट लेखन कौशल है तो आप श्यामपट पर ये सारी चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। और जब फाइल बनाइए तो आप उसमें कोशिश करिए कि ब्लैक चार्ट पेपर का यूज़ करिए, अच्छा लगता है थोड़ा सा देखने पे। आप वाइट पे भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। तो यहाँ पर वाइट आप पे ले लीजिए स्पार्कल, और ब्लैक चार्ट पेपर चिपका लीजिए। इस पर सबसे पहले आप, ज़्यादा समय तो दिया नहीं जाएगा आपको, तो यहाँ पे ऐसा टॉपिक चुनिए जो आराम से पढ़ाया जा सके, ऐसा पॉइंट चुनिए। तो यहाँ पे देखिए, उपसर्ग जब पढ़ाना है आपको, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उपसर्ग की परिभाषा जरूर बताएंगे, उसके उदाहरण जरूर बताएंगे। तो पहले, सबसे पहले यहाँ पे उपसर्ग की परिभाषा बताई गई है। परिभाषा में देखिए लिखा गया, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी दो शब्दों के आरंभ में लगकर उसके अर्थों का विस्तार करता है, अथवा उनमें कोई विशेषता उत्पन्न कर देता है। उदाहरण के लिए, मान के आगे लग गया अप तो हो गया अपमान, नी लग गया मग्न के आगे निमग्न हो गया, अवधन तरण है तो अवतरण हो गया, अभि प्लस मुख है अभिमुख हो गया। वाक्य है, जब आप कोई एग्जांपल देंगे तो उसका वाक्य भी तो करके बताएंगे। तो वाक्य में है, रामू को धन की प्रबल इच्छा है। तो प्रबल यहाँ पे देखेंगे तो प्र धन बल, बल के आगे प्र लग गया तो वो हो गया प्रबल, उपसर्ग प्र है यहाँ पे। अशोक ने गाय पर निबंध लिखा, निबंध है, बंद है, उसके आगे नी लग गया तो निबंध हो गया, नी यहाँ पे उपसर्ग है। छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखना है आपको, सभी छात्र ध्यानपूर्वक श्यामपट की ओर देखेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी पुस्तिका में लिखेंगे। तो ये हो गया आपका सूक्ष्म पाठ्य योजना का, जितना आपको पढ़ाना है इतना पढ़ाने में, ऐसे डायरेक्ट जाके तो पढ़ाएंगे नहीं, श्यामपट पर ये चीज़ें लिखेंगे भी। जैसे परिभाषा है यहाँ पर बोलेंगे आप, तो परिभाषा श्यामपट पर लिखेंगे भी। और ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पे कुछ बातों का ध्यान देना होता है, जैसे आप कोई भी सूक्ष्म पाठ्य योजना पढ़ा रहे हैं तो किसी कौशल के ऊपर, तो उन कौशलों के ऊपर कराने का टीचर का यही मकसद होता है कि आप उस कौशल को सीखेंगे। तो उस कौशल में क्या क्या चीज़ें सीखनी है, वही चीज़ें होती हैं कौशल के घटक, उसको अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो श्यामपट कौशल में सबसे पहला जो घटक होता है कि श्यामपट पर जब आप लिख रहे हैं तो वो शुद्ध होना चाहिए,
मात्राएं सही होनी चाहिए, अक्षर सुडौल होने चाहिए, समान होने चाहिए, ठीक है। तो यही अब चलते हैं, यहाँ पे आपका इतना कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी आपका जो निरीक्षण तालिका है उसमें कौशल के घटक आपको जरूर देखना है। यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा गया अवलोकन सारणी और मूल्यांकन सूची, क्रम संख्या में 6-7 पॉइंट ले सकते हैं आप। कौशल का घटक है जो भी अभी मैंने बताया, कौशल का घटक का मतलब होता है कि जो सूक्ष्म पाठ्य योजना में जिस कौशल के ऊपर आप पढ़ा रहे हैं उस कौशल को सीखने में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला चीज़ रखा गया है अक्षरों की सुडौलता व स्पष्टता। अक्षर जो मैंने अभी बताया ना आपको कि अक्षर जो श्यामपट पे लिखे हैं वो सुडौल होने चाहिए, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए और एक समान होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए, ज़्यादा कटपिट नहीं होना चाहिए। दूसरा है अक्षरों के आकार की समानता, जो अक्षर लिख रहे हैं वो आकार में समान होने चाहिए। तीसरा है वाक्यों में संक्षिप्तता व सुस्पष्टता, वाक्य जो लिख रहे हैं आप वो बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, सरल होने चाहिए, सूक्ष्म होने चाहिए। व्याकरणी शुद्धता, अगर आप लिख रहे हैं हिंदी लिख रहे हैं खासतौर से तो उसमें व्याकरणी शुद्धता होनी चाहिए, उसमें व्याकरण की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्रमबद्धता होनी चाहिए। छठवां पॉइंट देखिए मुख्य बिंदुओं और शब्दों का को रेखांकन करना है, अगर कोई मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं आप तो उस सैंपट वगैरह लिख रहे हैं उसको तो उसके नीचे आप हाईलाइटेड कर दीजिए, रेखांकित कर दीजिए उसको, जिससे बच्चों को ये पता चल जाए कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस चीज़ को जरूर वो अपनी कॉपी में नोट कर लें। पाठ के साथ साथ रेखा चित्रों का भी प्रयोग करें, अगर आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं यहाँ पे तो उसके साथ आप कोई डायग्राम भी बना के दिखा रहे हैं बच्चों को तो ज़्यादा अच्छा होगा सैंपट पे। उसके बाद देखेंगे रंगीन चौक का प्रयोग, खास तौर से अगर आप साइंस पढ़ा रहे हैं उसमें बायो पढ़ा रहे हैं तो आप कलरफुल चौक का जरूर यूज करिए सैंपट पे, जिससे बच्चों की रुचि वो और आकर्षित होंगे पढ़ाई की तरफ। लास्ट में यहाँ पे पर्यवेक्षक अपना हस्ताक्षर करेगा और दाहिनी तरफ पर्यवेक्षक दल निर्देशक जो होगा वो अपना हस्ताक्षर करेगा। और मूल्यांकन सूची में आपने जो यहाँ पे जिन कौशलों का सही से ध्यान रखा होगा उन कौशलों के सामने अच्छा नंबर मिल जाएगा, जैसे अच्छा नंबर है बहुत अच्छा है और सामान्य है, अगर सही से नहीं करेंगे रहेंगे तो सामान्य मिल जाएगा, अच्छा किए रहेंगे तो अच्छा मिलेगा और बहुत अच्छा किए रहेंगे तो बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो ये था आज का सूक्ष्म पाठ्य योजना। अगर इस वीडियो की आपको PDF चाहिए तो बिल्कुल फ्री में आपको रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री पे, वहाँ पे इस PDF को मैं अपलोड कर दूंगा। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियोज़ मैं डेली बेसिस पे लाता रहा।